खबरों में है दम, सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। गांव गांव और गली गली, दुकान दुकान, पान ठेला पान ठेला, क्या होटल क्या ढाबा, जहां देखो वहां अवैध शराब। आखिर क्यों खामोश जिम्मेदार, नौकरी बचाने का चक्कर या फिर ऊपरी कमाई की चाह। ठेकेदार का गुलाम बना जिम्मेदार विभाग। मंडला, जहां एक तरफ पवित्र नगरी मंडला घोषित होने के बाद 6 दुकानों को बंद कर 6,000 जगह शराब मिल रही है, वहीं इससे नगर परिषद बमनी बंजर भी दूर नहीं। शराब दुकान होने के बाद भी शराब ठेकेदार गांव गांव और गली गली शराब की सप्लाई कर रहा है। मीडिया में लगातार मामले को दिखाया जा रहा है, उसके बाद भी जिला प्रशासन के जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बने बैठे हैं। स्थानीय थाना बमनी बंजर भी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं जिला आबकारी विभाग के जिला अधिकारी दुकान पहुंचकर खाना पूर्ति कर रहे हैं। आखिर इन अधिकारियों को कार्यवाही करने में किसका डर है, या फिर यह अधिकारी जमकर ऊपरी कमाई कर रहे हैं, जो इनकी शह पर गली गली दिन दहाड़े खुलेआम शराब पहुंचाई जा रही है और नियम और कानूनों को ठेकेदार ठेंगा दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, वहीं पूरे मंडला जिले पर खुलकर अवैध शराब का व्यापार हो रहा है। आखिर जिम्मेदार नेता जनप्रतिनिधि मंडला को और मंडला की जनता को क्या समझ रहे हैं? क्या मंडला अंधेर नगरी चौपट राजा है जो सब यह हो रहा है? रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक।